हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आज सिविल इंजीनियरिंग का क्विक रेफरेंस बुक और ऑनलाइनर जिसका पब्लिकेशन है सिविलियंस पब्लिकेशन, इस बुक का मैं आज रिव्यू करूंगा। सिविलियंस पब्लिकेशन केरला का नंबर वन कोचिंग सेंटर भी है और पब्लिकेशन भी है। तो इस बुक का, इस पब्लिकेशन का जो नया बुक आया है क्विक रेफरेंस बुक सिविल इंजीनियरिंग का फोर्थ एडिशन, मैं इस बुक का आज रिव्यू करूँगा। देखूँगा इस बुक में क्या क्या है। इसका जो प्रिंटेड प्राइस है इधर पे मेंशन किया है 599 रुपीस, ठीक है। और इसका जो एडिशन आया है नया एडिशन, और 2023 का नया एडिशन आया है जनवरी का। देखते हो इस बुक का जो कंटेंट में क्या क्या है। तो पहले उन लोगों ने जो हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स दिया है, उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग दिया है, उसके बाद दिया है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट, स्टील स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी है इसमें, कंप्यूटर फंडामेंटल भी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन, बिल्डिंग बाय लॉज, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। इस बुक में टोटल आप लोगों को 625 पेजेस इसमें है। देखिए पहले उन लोगों ने जो ऑनलाइनर है एक एक करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा उन लोगों को, तो वही दिया है इसमें। पहला जो क्वेश्चन है देखिए, आप लोग देख सकते हैं, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग इट, ठीक है। इधर पे क्वेश्चन दिया है, उसके बाद आंसर दिया है। सेम करके सेकेंड क्वेश्चन, वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर, रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी, मास डेंसिटी ऑफ एयर, सभी एक एक करके उन लोगों ने दिया है जो उन लोगों को इम्पोर्टेंट लगा, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है वही उन लोगों ने इसमें दिया है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आया था वेरियस एग्जाम पे वही दिया है इसमें। पहला चैप्टर जो है फ्लूइड प्रेशर में उन लोगों ने 19 क्वेश्चन इसमें दिया है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है बुयोंसी एंड फ्लोटेशन, इधर से स्टार्ट किया है उन लोगों ने। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी व्हेन इमर्स इन इट इज कॉल्ड बुयोंट फोर्स, इधर पर लिखा है उन लोगों ने। एक एक करके बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। तो सेकेंड जो चैप्टर है बुयोंसी एंड फ्लोटेशन, उसमें उन लोगों ने 14 क्वेश्चन दिया है। उसके बाद जो थर्ड जो चैप्टर है फ्लूइड काइनेमैटिक्स, इसमें भी उन लोगों ने इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, उन लोगों ने 40 क्वेश्चन दिया है इसमें। उसके बाद जो फ्लूइड डायनामिक्स है उसमें भी 17 क्वेश्चन इसमें दिया है। मैं और एक सब्जेक्ट लेता हूँ बिल्डिंग मटेरियल्स, देखते हैं उस बिल्डिंग मटेरियल्स में भी उन लोगों ने क्या दिया है। देखिए बिल्डिंग मटेरियल्स में उन लोगों ने पहले स्टोन जो चैप्टर है वो लिया है। स्टोन का जो क्वेश्चन है, स्टोन आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स बाय कोडिंग, तो एक एक करके उन लोगों ने स्टोन का भी जो जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चन है विथ आंसर उन लोगों ने दिया है। उसके साथ उन लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन फ्रॉम निमी, आई डोंट नो व्हाट इज़ निमी, ठीक है। आप लोगों को मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना निमी क्या है, निमी का क्वेश्चन क्या है। तो बहुत जितना भी सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल्स, उसके बाद में भी निमी क्वेश्चन दिया है। उसके जो सोयल का जो पार्ट है उसमें भी उन लोगों ने बहुत सारा निमी क्वेश्चन दिया है। तो निमी का मतलब क्या है मुझे पता नहीं, आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में बोलना। तो देखिए स्टोन में भी उन लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, टोटल उन लोगों ने स्टोन में 69 क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया है विथ आंसर। उसके बाद स्टार्ट हुए सीमेंट, सीमेंट में भी उन लोगों ने बहुत सारा ऑनलाइनर दिया है। इसमें देखिए क्विक रिविजन के लिए बुक इंपॉर्टेंट है, टोटल 89 क्वेश्चन इसमें दिया है सीमेंट में भी। उसके बाद स्टार्ट हुआ लाइम, लाइम में भी दिया है क्वेश्चन, लाइम में भी उन लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन दिया है। देखिए लाइम में भी उन लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन दिया है। उसके बाद स्टार्ट हुआ टिम्बर, ऐसे करके उन लोगों ने सभी जो सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी जो ऑनलाइनर क्वेश्चन है सभी इसमें दिया है। देखिए क्वेश्चन विथ निमी, तो क्वेश्चन विथ निमी का क्वेश्चन जो है देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द क्ले इन गुड ब्रिक्स अर्थ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। एक एक करके बहुत सारा जो क्वेश्चन है निमी क्वेश्चन उन लोगों ने दिया है। ठीक है, मैं एक नया सब्जेक्ट लेता हूँ जो मैंने आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो इसमें उन लोगों ने जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है वो भी दिया है। हम लोग जो बीटेक किया था उस टाइम हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी पढ़ा था, तो उस टाइम था, अभी तो नया नहीं है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्वेश्चन भी उन लोगों ने दिया है इस बुक में। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया है ग्राफिक्स का। उसके बाद दिया है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन इसमें दिया है जो किसी बुक पे नहीं है। उसके बाद दिया है वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये क्यों दिया आप हम लोग मुझे भी पता नहीं है वर्कशॉप कैलकुलेशन क्यों दिया है। ठीक है, शायद केरला का जो एग्ज़ाम है उसमें है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बोलना। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।